Hold up. किसी भी फ्लैट बेंच पे एक हाथ और एक पैर को टिका दीजिए। जिस तरफ आपने डंबल पकड़ रखा हो उस तरफ के पैर को नीचे टिका दीजिए। बॉडी को सही से पोजीशन में बना लीजिए, अपने बॉडी को बैलेंस को बना के रखिए। इसको करते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपकी बैक एकदम से स्ट्रेट होनी चाहिए, वो कुबड़ ना निकला हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। जब भी आप डंबल्स को नीचे लाएंगे तभी आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी। आपका हाथ सीधे एकदम नीचे रिलीज कर दिए, उसको कर्व वगैरह नहीं करना है। वो भी सही होता है पर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, सो आप ऊपर उठाएं और सीधे स्ट्रेट ही डंबल को नीचे छोड़ दें अपने बैक की मसल्स के दम पे। जब भी आप डंबल्स को ऊपर उठाएंगे लास्ट पॉइंट पे वहाँ ले जाके एक दो सेकंड का पास करने की कोशिश करें, जितना भी हो सके आप ऊपर उसे पास करें, फिर धीमे से नीचे रिलीज कर दें। ब्रीदिंग का ख्याल रखिएगा, जब भी आप डंबल्स को ऊपर उठाएंगे मुंह से पूरी सांस छोड़ देंगे, रिलीज करते समय नीचे नाक से सांस भर लेंगे। 3 से 5 सेट करिए, रेप्स को 8 से 12 तक ले जाइए। हर सेट के बाद में वेट ज़रूर से बढ़ाएं, हर सेट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट भी लें। मोशन को एकदम स्लो रखिएगा, धीमे धीमे ही करना है। इस एक्सरसाइज में हमेशा आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, कूबड़ बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, वरना ज़्यादा इफेक्ट आपकी बैक की मसल्स पे नहीं पड़ेगा। जब भी आप कोहनी और डंबल्स को ऊपर उठाएंगे, कोहनी और डंबल्स दोनों ही आपके कमर से सटे हुए ऊपर उठने चाहिए, वो ज़्यादा आपके शरीर से दूर ना हो। जितना वो सटे रहेंगे, सट के ऊपर उठेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी बैक की मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। जब भी आप डंबल्स को नीचे की ओर रिलीज करेंगे, अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए सारा प्रेशर अपनी बैक की मसल्स पे देने की कोशिश करें। शोल्डर की मसल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जब आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे तो आपके बैक की मसल्स पे अपने आप खिंचाव महसूस होगा, सो सारा प्रेशर आप अपनी बैक की मसल्स पे ही देने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।